महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव को लेकर बयान में राहुल गांधी व कमलनाथ पर कटाक्ष किया, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को विश्वसनीय नेता बताया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर पर माथा टेका। उपचुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राहुल गांधी ने थूक कर चाटा है, किसानों को धोखा दिया है, कहकर बदल गए हैं। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वह काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिखाया, कमलनाथ को हटा दिया। अब जनता सिंधिया पर विश्वास करेगी, ना कि राहुल गांधी पर। हमने हरदा में थानों पर आवेदन दिए हैं कि राहुल गांधी और कमलनाथ पर 120B व धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया जाए। हम 28 ही सीटों पर चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। विश्वसनीयता खत्म। क्या कहा था राहुल गांधी ने चुनाव में विधानसभा 18 में कि मैं राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा करता हूँ, मंसूर में किया था उसने कि 10 दिन के अंदर अगर 2 लाख का सारे किसानों का सारा कर्जा माफ नहीं किया तो मैं 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा, दूसरा मुख्यमंत्री करेगा। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, किसान भाई भी पूछे कि राहुल गांधी तूने थूक के चाटा, तूने किसानों को धोखा दिया है, सरेआम धोखा दिया है, कह के बदला है, 10 दिन में नहीं बदल पाया। मैं तो ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूँ कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, ज्योतिर्दित्य सिंधिया ने कमलनाथ को हटा दिया। ये होता है जो नेता कहता है वो करता है। राहुल ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने नहीं कहा था कि मैं हटाऊंगा, राहुल गांधी ने कहा था जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वो ज्योतिर्दित्य सिंधिया, इसलिए ज्योतिर्दित्य सिंधिया पे विश्वास करेगी जनता कि राहुल गांधी पे करेगी, और इसलिए ये विश्वास का चुनाव है। इन्होंने धोखाधड़ी की है, 420 की है, षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी। इसलिए मैं किसान भाइयों से हमेशा कहता हूँ, हमने हरदा में किसानों ने अभी आवेदन दिए थानों के अंदर कि राहुल गांधी पर और कमलनाथ पर 420 धोखाधड़ी षड्यंत्र पूर्वक किसानों को छलने का, धोखा देने का, वचन देकर पलटने का और चुनाव में वोट प्राप्त करके सत्ता प्राप्त कर ली लेकिन किसानों को धोखा दिया, और इसलिए धोखेबाजों को इस समय उपचुनाव में जनता धक्का देगी। युवाओं को कहा था क्या कि रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तीसरा उन्होंने कहा था महिलाओं के समूह को कि तुम्हारा कर्जा प्राइवेट बैंक को सरकारी सब माफ कर देंगे, उनको धोखा दिया। यहाँ तक कि बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, विधवा निराश्रित दिव्यांग को नहीं छोड़ा, 1000 पेंशन करेंगे नहीं की, और इसलिए सब मिलकर अब कांग्रेस की छुट्टी करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आगे से अब कांग्रेस कभी इस प्रकार के झूठे वचन नहीं देगी। इनको शर्म नहीं आती।